एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि सबसे पहले टीम को एक अलाइन करे अपने विजन से। तो आपको एज अ लीडर टीम तैयार करना आना चाहिए। टीम आपको तैयार मिलेगी नहीं, आपकी कंपनी आपकी पर्सनालिटी से ज्यादा बड़ी नहीं बन सकती है। 10 साल के अंदर आप अपनी कंपनी के या आप अपनी इंडस्ट्री के लीपर होने चाहिए। सिस्टम और प्रोसेस बनाना सीखना पड़ेगा। एक लीडर वो होता है जो अपनी टीम को एक विजन पर अलाइन रखता है। वो एक मिशन पर निकले थे, इसलिए सबकी सोच एक थी। और एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि सबसे पहले टीम को एक अलाइन करे अपने विजन से। आप सबके पास टीम है, क्या पूरी टीम आपके विजन को जानती है? क्या पूरी टीम आपके उस विजन पर काम कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो गलती किसकी? समझना। तो एक लीडर का सबसे बड़ा फोकस जो मैंने बताया कि लीडर का मतलब होता है हु नोज द वे गोज द वे एंड शोज द वे, जो सही रास्ते जानता है कि चलना किस पे है, उस पर जाता भी है और लोगों को वो रास्ता दिखाता भी है। मेरी टीम के अंदर अच्छे लोग नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मुझे अच्छी टीम बिल्ड करना नहीं आता। एक सेमिनार कर रहा था मैं राजकोट के अंदर, ऐसे ही बात चली तो मैंने पूछा भाई कितने लोगों को टीम हायर करने में प्रॉब्लम आती है या कितने लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते। तो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक थे, उन्होंने हाथ उठाया, बोले सर जितने अच्छे लोग हैं ना सब वो लोग फॉरेन चले गए, जितने IIT IIM से निकलते अच्छे लोग छो बड़ी बड़ी कंपनियां उसको बाहर लेकर जाती है, हमारे पास जो बचा है वो कचरा है। उस कचरे में से अगर तुम्हें सोना ढूंढना आता है तो ही तुम आज की इंडस्ट्री में ग्रो कर पाओगे। तो आपको एज अ लीडर टीम तैयार करना आना चाहिए। टीम आपको तैयार मिलेगी नहीं, और एक लीडर वही होता है जो टीम को तैयार कर सकता है। तो लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सवाल यह है कि भाई लीडर को अपनी एबिलिटी डेवलप क्यों करनी चाहिए? सबसे पहला, क्या आपको लगता है कि आप एक लीडर हो? हेलो 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 हेलो, क्या आपको लगता है कि आप एक लीडर हो? तो आपको अपनी एबिलिटी क्यों डेवलप करनी चाहिए? अगर आप लीडर हो ही ऑलरेडी तो आपको अपनी एबिलिटी क्यों डेवलप करनी चाहिए? यस एनीवन, अगर आपको लगता है कि आप लीडर हो तो आपको अपनी एबिलिटी क्यों डेवलप करनी चाहिए, या किसी भी इंसान को अपनी एबिलिटी क्यों डेवलप करनी चाहिए? आगे बढ़ने के लिए और विजन सुधी पहुंचो माटे, राइट? हमारी टीम को हमारे ऊपर ट्रस्ट है, समझना। अगर आप लीडर हो तो आपको अपनी लीडरशिप अगर दिखानी है या फिर आप अपनी टीम को बेहतर बनाना चाहते हो, आपको लीडरशिप एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप खुद डेवलप होगे तो आप टीम को डेवलप कर पाओगे, और आप टीम को डेवलप कर पाओगे तो ही आप अपने बिजनेस को डेवलप कर पाओगे। आपका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर रहा है जितना आपको करना चाहिए, इसका मतलब यह है कि अभी भी आप उतना ग्रो नहीं कर पाए हो जितना आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। परीक्षा में उसको उतना ही नंबर मिलता है जिसको जितना आता है, धंधे में उसको उतना ही ग्रोथ मिलता है जिसकी लीडरशिप एबिलिटी जितनी है। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने पहले ही कहा आपकी कंपनी आपकी पर्सनालिटी से ज्यादा बड़ी नहीं बन सकती है। तो हमें अपने अंदर लीडरशिप एबिलिटी इसीलिए डेवलप करना जरूरी है क्योंकि हमारी एबिलिटी बढ़ेगी, हमारी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी तो ही हम अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। तो हमें एक लीडर बनना पड़ेगा, और लीडर बनने के लिए हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो समझना, ये एंटरप्रेन्योर का स्टेज है। जब हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना, तब हम सब काम खुद करते हैं, झाड़ू पोछा, ऑफिस खोलना, फैक्ट्री पर जाना, माल बना, सारी चीजें हम खुद करते हैं, उसको कहते हैं ट्रेडर। उसके बाद में आता है मैनेजर कि हमने टीम हायर कर ली, अब हम टीम से काम करवा रहे हैं। देन आता है लीडर
कि भाई हमारे नीचे मैनेजर है और मैनेजर के नीचे टीम है और टीम काम कर रही है, मैनेजर मैनेज कर रहा है और मैं मैनेजर को गाइड कर रहा हूं। उसके बाद आता है लीपर कि मैंने लीडर तैयार कर दिया, लीडर के नीचे मैनेजर है और मैनेजर के नीचे पूरी टीम है और मैंने उसको लीड करने के लिए दी, भाई तू सूरत देख, अब मैं जाऊंगा दूसरी जगह स्टेट डेवलप करने के लिए। लेकिन हर पोजीशन का एक टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड है 3-3-3, मतलब 10 साल के अंदर आप अपनी कंपनी के या आप अपनी इंडस्ट्री के लीपर होने चाहिए। लेकिन 90% इंडियन बिजनेसमैन यहां से आगे नहीं बढ़ पाते। हम अपनी कंपनी के फिलहाल मैनेजर हैं, क्योंकि हम अपनी कंपनी में 4 दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा, है ना? तो हम एक्चुअल में अपनी कंपनी में अभी मैनेजर हैं। तो हमें अब मैनेजर से लीडर बनना है, तो उसके लिए हमें सिस्टम और प्रोसेस बनाना सीखना पड़ेगा। अब एज अ लीडर अगर हमें डेवलप होना है तो हमें सिस्टम की बिना मालिक के कंपनी कैसे चलती है वो सीखना पड़ेगा।